दिवाली पर कई खिलाड़ियों का निकल गया द्वाला, 5 खिलाड़ियों को लगा 440 वोल्ट का झटका। रिंकू ने तोड़ दिए सारे रिकॉर्ड, कमाई के मामले में भी सभी को छोड़ा पीछे। रिटेंशन में दिखा विराट कोहली का जलवा, सूर्य कुमार यादव, रोहित शर्मा, हार्दिक पांड्या एक ही प्राइस पर हुए रिटेन, मगर ईशान को लगा झटका, बुमराह को सबसे ज्यादा फायदा। नई टीम से खेलेंगे ऋषभ पंत, केएल राहुल का भी कट गया पत्ता, तीन टीमों ने किया सबसे बड़ा उलटफेर, चेन्नई के लिए चलेगा धोनी का बल्ला, गायकवाड़ की आएगी तबाही। आईपीएल में खिलाड़ियों की रिटेंशन ने हर किसी को चौंकाने का काम कर दिया, जो किसी ने सोचा नहीं था वैसा फैसला टीमों ने लिए। धोनी इस बार चेन्नई के लिए खेलते नजर आएंगे, रोहित शर्मा मुंबई के साथ बने रहेंगे, सूर्य कुमार यादव कहीं नहीं जाने वाले, हार्दिक पांड्या ही कप्तानी करते दिखाई पड़ेंगे। इतना ही नहीं, सबसे बड़ा उलटफेर तो कोलकाता नाइट राइडर ने करने का काम कर दिया, किंग खान ने रिंकू सिंह की किस्मत चमकाने का फैसला किया। रिंकू सिंह 50 लाख में खेल रहे थे और उनको सीधे 13 करोड़ की राशि दे दी गई। वहीं दूसरी तरफ अगर बात करेंगे तो 5 ऐसे खिलाड़ी रहे जिनको जोरदार झटका लगा। केएल राहुल ने सोचा था कि मामला शायद सुलझ गया होगा, लेकिन मामला ऐसा उलझा कि राहुल को रिटेन नहीं किया गया। कैसे सभी टीमों ने चौंकाने का काम किया, किसको टीम में रखा गया, किसको बाहर किया गया, आपको एक एक खबर बताने जा रहे हैं। चेन्नई सुपर किंग्स की तरफ से जो लटफेट देखने को मिला उसमें गायकवाड़ सीधे तौर पर कप्तान रहेंगे, 18 करोड़ की राशि उनको मिली, जबकि शिवम दुबे को 12 करोड़ रुपए मिले और रविंद्र जाडेजा को 18 करोड़ रुपए में चेन्नई सुपर किंग्स ने रिटेन किया है। आरसीबी की बात करें तो विराट कोहली पर 21 करोड़ रुपए उसने खर्च किए, रजत पाटीदार पर 11 करोड़ और यश दयाल पर 5 करोड़ रुपए खर्च करने का फैसला रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने किया है। इसने सिर्फ 3 खिलाड़ियों को रिटेन किया, अपने कप्तान डुप्लेसी को भी टीम ने बाहर करने का काम किया। वहीं अगर बात की जाए कोलकाता नाइट राइडर की तो कोलकाता ने तो गजब ही कर दिया, कोलकाता ने दिल खोल कर पैसा रिंकू सिंह पर लुटा दिया। रिंकू कोलकाता के ऐसे बल्लेबाज बन गए जिन्होंने 13 करोड़ रुपए हासिल किए, मतलब आप समझ रहे हैं कि रिंकू पर सबसे बड़ी बोली कोलकाता ने लगाई। उनके बाद वरुण चक्रवर्ती, सुनील नरेन और रसेल 12 करोड़ रुपए में रिटेन किए गए। अगर लखनऊ की बात करें तो कोलकाता ने अपने कप्तान को ही बाहर का रास्ता दिखा दिया। जिस तरीके से लखनऊ के मालिक और केएल राहुल में बहस पिछले सीजन में हुई थी, उसके बाद तो लग रहा था कि ये तो होना ही है और हुआ भी। केएल राहुल को सबसे तगड़ा झटका लगा, लखनऊ की टीम ने यह झटका दिया, उनको रिटेन नहीं किया। निकोलस पूरन को 21 करोड़ रुपए में रिटेन किया गया, वहीं रवि बिश्नोई को 11 करोड़ में और मयंक यादव की किस्मत चमक गई, 11 करोड़ रुपए उन पर भी टीम ने खर्च करने का फैसला किया। मयंक यादव ने भी इंटरनेशनल क्रिकेट में प्रभावित करने का काम किया है और यही वजह है कि टीम ने एक बार फिर उनको अपने पाले में रखने की हर मुमकिन कोशिश कर डाली। अगर झटके की बात करें तो झटका सीधे तौर पर केएल राहुल को, श्रेयस अय्यर को, ऋषभ पंत को, युजवेंद्र चहल को और ईशान किशन को लगा है। इन 5 खिलाड़ियों को टीम ने रिटेन नहीं किया, हालांकि ऋषभ पंत का मामला अलग है। पंत की अगर बात करें तो उन्होंने पहले इस बात का इशारा कर दिया था कि वो इस बार अपनी टीम छोड़ने वाले हैं और हुआ भी वही, लेकिन पैसे खर्च करने के मामले में एक बार फिर काव्या मारन सबसे आगे निकल गई। काव्या ने हेनरी क्लासन को 23 करोड़ रुपए में रिटेन किया, जबकि पैट कमिंस, अभिषेक शर्मा और एनके रेड्डी को भी उन्होंने रिटेन किया है। आपको तो पता ही कि किस तरह से मुंबई इंडियंस में पिछले सीजन में माहौल बना था, ऐसा लग रहा था कि बहुत बड़ा बदलाव इस बार हो जाएगा, मगर मुंबई ने सबको चौंका कर रख दिया। वहीं पंजाब किंग्स की अगर बात करें तो उसने सिर्फ 2 खिलाड़ियों को रिटेन किया। देखना होगा कि इस बार क्या कुछ होता है, मगर जो खबर है उसके मुताबिक ऋषभ पंत पंजाब किंग्स के साथ जुड़ सकते हैं। दोस्तों, रोहित ने मुंबई का साथ ना छोड़ने का फैसला जो लिया, क्या सही है? आपको क्या लगता है कमेंट में बताएं।